हेलो फ्रेंड्स, द बर्निंग इश्यू ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नजीर, और आज हम डिस्कस करेंगे स्कीम्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये लेक्चर और इससे पहले का एक लेक्चर, ये दोनों ही लेक्चर और आगे आने वाले कुछ लेक्चर भी स्कीम बेस्ड होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कुछ स्कीम्स डिस्कस की थी। आइए उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो स्कीम्स पहले, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि स्कीम्स जो होती हैं वो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए होती हैं। तो हम सब की भी जिम्मेदारी होती है कि हम सब, एक तो अगर हम कंपटीशन या फिर नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, इसके अलावा हम एक जागरूक नागरिक के नाते, एक एक्टिव सिटीजन के नाते, हम लोगों को, हमें, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोगों को अवेयर करें, ताकि इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन सारी स्कीम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। तो आज जो हम जो स्कीम डिस्कस करेंगे, तीन स्कीम डिस्कस करेंगे, और तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि ये जीवन बीमा है, जिसमें गवर्नमेंट आपको एक तरीके से आपका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करवा रही है। और इसका जो एज ग्रुप है, यानी कि जो बेनिफिशियरी हैं, वो 18 से 50 साल के बीच होंगे। ये बेनिफिशियरी की जो एज होगी वो 18 से 50 साल के बीच होगी। इसके अलावा जो इसका क्राइटेरिया है, वो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट हो, आपकी एज 18 से 50 साल हो, तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं या इसका बेनिफिट आप पा सकते हैं। इसके अगर लाइफ कवर की बात करें, यानी कि अगर आपकी डेथ होती है तो आपको 2 लाख रुपए का कवर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इस कवर को प्रोवाइड करने के लिए आपसे प्रीमियम जो है वो 330 रुपये, 330 रुपीज प्रीमियम आपसे एनुअली लिए जाते हैं। सो इस योजना में 2 लाख रुपीज का कवरेज आपको मिलता है। आपकी अगर डेथ होती है तो, और फॉर एनी रीजन, मतलब डेथ चाहे कैसे भी हो, इसमें कोई वो लिमिटेशन नहीं है कि डेथ आपकी कैसी हो, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से अगर आपकी डेथ होती है तो आपको गवर्नमेंट 2 लाख रुपए प्रोवाइड कराएगी। अगर इसका फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार लिंक्ड होना चाहिए। और इसके अलावा इस स्कीम में जो प्रीमियम होगा 330 रुपीज, वो हर साल आपका ऑटो डेबिटेड, यानी आपके अकाउंट से खुद कट जाएगा, अपने आप वो डेबिट हो जाएगा। इस स्कीम का एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अगर देखें तो 1 जून से 31 मई, यानी 1 जून से 31 मई तक। सो दोस्तों, ये स्कीम थी, ये मेन चीजें जो थी जो इस स्कीम से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट जो टर्म्स थे, इम्पोर्टेंट जो चीजें थी इस स्कीम के से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस की। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा, एक तो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, और दूसरा क्या है, इसका एज ग्रुप जो है 18 से 50 साल, लाइफ कवरेज, इसका जो लाइफ कवर है वो कितना है, 2 लाख रुपए, हाँ 2 लाख रुपए, और जो इसका जो प्रीमियम है एनुअली वो कितना है, 330 रुपीज। ये सो हमने ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डिस्कस किया। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम कौन सी है। नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों, हमने ऊपर जो स्कीम डिस्कस की जीवन ज्योति बीमा योजना, और अब जो हम स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें एक स्लाइटली डिफरेंस है। ये फर्क जो है, ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना थी ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, और ये जो है सुरक्षा बीमा योजना है ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि उसमें डेथ पे आपको वो कवरेज कवर उसका मिलता था, और इसमें आपको एक्सीडेंट पे मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसके और सारे फीचर्स क्या हैं। तो इसका जो एज ग्रुप है वो है 18 to 70 ईयर्स, यानी 18 से 70 साल। और ये स्कीम भी 1 जून से 31 मई तक टाइम पीरियड सेम है दोनों स्कीमों का, और इसकी जो कवर है वो भी सेम है, यानी कि 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे फॉर एक्सीडेंटल डेथ, या अगर एक्सीडेंट की वजह से अगर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है आपको, तो भी आपको 2 लाख रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। इसमें जो प्रीमियम है वो 12 रुपीज, यानी सिर्फ 12 रुपए
पर ईयर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपीज और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये। सो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। सो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नंबर 1 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान है। नंबर 2 एज ग्रुप जो है वो 18 to 70 ईयर्स होना चाहिए। 2 लाख रुपीज का इसमें कवर है एक्सीडेंटल, ये जो कवर है। और दूसरे है इसका जो प्रीमियम है वो 12 रुपये है। तो दोस्तों ये हमने 2 स्कीमें डिस्कस की, आइए देखते हैं तीसरी स्कीम हमारी कौन सी है। तीसरी स्कीम जो हम डिस्कस करेंगे वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये जो है ये बेसिकली फोकस्ड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेंशन की बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन सारी स्कीमें या मोस्टली जो थी स्कीमें वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी। ये अटल पेंशन योजना ये स्पेशली फोकस्ड किसको करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। और इसके और फीचर्स देखते हैं हम। इसका जो अटल पेंशन योजना का जो एज ग्रुप है वो 18 to 40 ईयर्स है, यानी 18 से 40 साल। और ये एडमिनिस्टर्ड की जाती है PFRDA के थ्रू, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है। ये जो योजना है ये रिप्लेस कर रही है स्वावलंबन स्कीम को। दोस्तों हम सब जानते हैं एक स्कीम पहले से स्वावलंबन के नाम से जो चली आ रही थी उसको ये रिप्लेस कर रही है। और जो लोग उसका उसके बेनिफिशियरी थे उस स्कीम के अंडर आ रहे थे या उस स्कीम का फायदा उठा रहे थे वो ऑलरेडी रिप्लेस शिफ्ट कर जाएंगे वो इस स्कीम में। सो स्वावलंबन स्कीम के जो बेनिफिशियरी थे वो शिफ्ट हो जाएंगे अटल पेंशन योजना में। इस योजना में गवर्नमेंट क्या करती है, गारंटीड पेंशन देती है, यानी कि जब आप अबव 60 हो जाएंगे तो एक तरीके से जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन प्रोवाइड की जाती है, वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को 60 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट 1,000 से 5,000 के बीच, ये जैसा आप प्रीमियम देंगे तो उसकी जो रेंज है वो 1,000 से 5,000 के बीच है, वो आपको आफ्टर रिटायरमेंट यानी अबव 60 आपको वो हर महीने पेंशन मिलेगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 50%, 50% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन या 1,000 रुपये, यानी कि जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी या फिर 1,000 रुपये। और ये गवर्नमेंट कब तक करेगी, ये 5 साल के लिए करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम में 5 साल के लिए ये 50% कंट्रीब्यूशन करेगी। और इसका जो मिनिमम पीरियड है वो है 20 ईयर्स, यानी 20 साल तक आप मिनिमम इसमें इस स्कीम में आपको प्रीमियम देना होगा। इसीलिए इस स्कीम की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40 ईयर्स है, यानी कि 40 साल पे भी अगर देते हैं तो 40 से लेके और मतलब 40 साल तक, 18 से 40 साल इसकी जो लिमिट थी उसमें मतलब 40 साल में भी अगर आप देते हैं तो ये क्या नाम है 60 ईयर्स तक, 60 तक आपका ये डिफरेंस हो गया, 40 और 60 का डिफरेंस 20 साल, मतलब मिनिमम 20 साल तक आपको इस स्कीम के साथ बने रहना होगा या प्रीमियम देना होगा। इसके जो सब्सक्राइबर की बात करें तो 38 लाख यानी 38 लैक्स लोग जो हैं इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी इसमें एक चेंज किया है कि जो जो लोग इस स्कीम को अवेल कर रहे हैं, जो लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, तो उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती थी, जैसे स्पाउस हैं, अगर अगर पत्नी पति पत्नी में किसी की डेथ हो जाती थी तो उस इस स्कीम को कंटिन्यू रखा जा सकता है। अगर जैसे हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ चाहे तो प्रीमियम कंटिन्यू करके इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकती है, मतलब जैसे हस्बैंड देता था वैसे वाइफ दे और इस स्कीम में बनी रहे और इसका पूरे तरीके से इसका फायदा उठा सकती है और इस की बेनिफिशियरी बन सकती है और इसी स्कीम के जो बेनिफिट है उसको अवेल कर सकती है। सो दोस्तों ये हमारी 3 स्कीमें थी और ये हमारा पार्ट 2 था, और आगे भी हम स्कीम से रिलेटेड आगे सारे वीडियो बनाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें फीडबैक जरूर दें। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।